आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ऐसा मजा आ रही है बता रहा हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार टपका दिया वर्ल्ड कप में, बता रहा हूँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उनकी कैप्टन को कि पहले बैटिंग कर लेना। और मैं बता रहा हूँ, वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो चल जाए। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और बारिश हुई नहीं। और मैं बता रहा हूँ, आंसू ऐसे आंसू बहाए जा रहे हैं भलेल भलेल। और वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बहा रहे हैं। वो कहीं कह रहे हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ भैया, इतना ज़्यादा तकलीफ है तो खुद ही आ जाओ फिर से खेलने, संन्यास वापस ले लो अपना, फिर से टीम बना लो। तुम्हारे नए लड़कों में दम नहीं है। हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल हो गई, बता रही हूँ। मैंने जाके फिर बहुत सरप्राइज से बात की, पूछा मैंने कि भैया बता दो, असली बात बता दो, क्यों हार गए। तो उसने बोला कि 16 जून को भैया फादर्स डे था, वो हम अपने फादर से कहते जीत सकते हैं, उनको गिफ्ट दे दिया हमने जीत में। हाँ, ये तो चल जाए। बिहार में भैया देख लो, ये गर्मी के कारण धारा 144 लगा दी, बताओ ऐसा उत्पात मचा रही है गर्मी वहाँ पे। और वहाँ पे भैया 183 लोग मर गए, बच्चे मर रहे हैं बेचारे लू से, ऐसा तो हो रहा है। बताओ गर्मी कैसा खैर डाल सकती है, बता रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ बिहार में भी है ना, पेड़ वेड़ लगाओ भैया, बड़ा मुश्किल काम हो रहा है आजकल। और ये खबर देख रहे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा इनके जो महाप्रबंधक है वो सब रेल से यात्रा करेंगे। और रेल से यात्रा करेंगे तो मेरा कहना ये है कि भैया रेल में जाएंगे बैठेंगे तो बाकी समस्या खुद देखने को मिलेंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लद्द पद जाके बैठ के जाते हैं लोग, तब तो समझ में आएगा इनको क्या हो रही है देश में, रेलवे में कितने सुधार की जरूरत है। और यह खबर ये देख लो, ये PNB घोटाला करके गए, जो गए थे ना मेहुल चौकसी, हाँ मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ऐश कर रहे हैं जो बैठ के, वो कह रहे हैं मैं आ नहीं पाऊंगा, यहीं आके पूछ लो। और मैं कह रहा हूँ ये PNB का घोटाला कर करके इतना खाली है, इतने चौड़े हो गए हो, अरे बीमारियां तो होंगी। और चुपचाप बता रही हूँ, खींच के लाना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे। हाँ, और मैं बता रही हूँ ये ममता दीदी के चक्कर में पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बताओ क्या क्या दुर्दशा हो रही है लोगों की, बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का ये वो लगा हुआ है। और मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को मारती क्यों यार, उनकी है वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं भैया, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, बता रही हूँ। और वहाँ पे अब स्ट्राइक खत्म होने वाली है शायद, कुछ समझौते मांगे मांगे मान लिए हैं ममता बनर्जी ने, तो उनके अब पुलिस वाले रहेंगे हर जगह, ये अच्छी बात है। डॉक्टरों की भैया उनकी भी रक्षा करना चाहिए। हाँ, और ये भैया ये संसद का बजट सब शुरू हो गया है। और मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को तो ऐसा याद करते हैं लोग, सुबह से नहीं आए तो वो चिल्ला चौट हो गई, राहुल गांधी क्यों नहीं आए, राहुल गांधी कितने प्रिय हैं, बता रहे राहुल गांधी हैं। और फिर वो 4 बजे आए, फिर उन्होंने शपथ ली। और ये प्रज्ञा भारती हैं, प्रज्ञा साध्वी जी, इनका नाम तो विवादिता होना चाहिए, साध्वी, बता रहा हूँ हज जाम ही जाती, विवाद शुरू हो जाते हैं इनका। इन्होंने जो शपथ ग्रहण ली उसमें अपने गुरु जी का नाम ले दिया, ये ले दिया, वो ले दिया। और वहाँ फिर चिल्ला चौट कर दी लोगों ने कि भैया ये नहीं, गुरु जी के नाम नहीं है वो, तो वहाँ पे संविधान के नाम पे शपथ लो, ईश्वर के नाम पे शपथ लो, फिर उन्होंने चेंज किया, बता रहे हैं ये तो चल रहा है। और अमेरिका में देखो कितनी खबर है, ये भारतीय परिवार की हत्या कर दी वहाँ पे किसी ने, सिर्फ फिर ने, बता रहे हूँ मैं, बता रहे हूँ वहाँ जाके रहती है क्यों यार, अपने देश इतना बड़ा है, प्रगति कर लिया है, यहीं रहो ना, काय को वहाँ मानने जाते हो। और यह खबर देखो अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आ रही है कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो अपने को भी है ना हथियार मिल जाएंगे, जो नाटो देश है जिनको है ना जो अधिकार प्राप्त हैं वो अपने को भी मिल गए अब तो। ये मोदी जी का जो भैया है ट्रंप के साथ दोस्ती हो रही है उसका फायदा हो रहा है, बता रहे हूँ। और आखिरी खबर ये सुन लो भैया, भोपाल से अच्छी खबर है, कलकत्ता और पटना, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट है तो शुरू होने वाली है, तो भैया टिकट बुक करा लो, घूमो इधर उधर। और मैं भी चला भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, जरा दीदी से मिल लूँ, बहुत भुनभुनाती रहती हैं, उनको जरा भोपाल का पानी ले जाके पिलाऊंगा। हाँ, तो भैया जय श्री राम, मैं जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।